नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज के पावन धरती से दिनेश मौर्य आप लोग स्वागत करता हूं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में। तो दोस्तों इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमारे पीछे देख सकते हैं केएसबी चौक है। केएसबी चौक पे मैं खड़ा हूं। यहां से चलेंगे हम, आप लोगों को दिखाएंगे भोसरी कैसे जाते हैं, केएसबी चौक से भोसरी कैसे जाते हैं और उसके बाद यहां का डेवलपमेंट वगैरह क्या है दोस्तों, तो सारी जानकारी देंगे। रास्ते में क्या क्या पड़ता है वो सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। आइए चलिए चलते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, पिछली बार जो हमने वीडियो डाला उस वीडियो में जो जो कमेंट किया है उनका नाम लेना चाहूँगा दोस्तों। तो अजय यादव करके हैं, वो पुणे ओनली पुणे डाले हैं, पुणे से हैं। और उसके बाद धीरज गुप्ता जी हैं, वो आजमगढ़ से हैं, वो प्रॉपर कमेंट मारते हैं। और उसके बाद दोस्तों तनु निषाद करके हैं, वो भी ये एड्रेस वगैरह नहीं डाले हैं, अपना नाम डाले हैं ओनली। और उसके बाद आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आइए चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये हमारी धन्नो खड़ी है, पीछे देख सकते हैं, इसी से हम चलेंगे। तो आइए चल के दिखाते हैं आप लोग पूरा रूट रास्ता क्या है कैसा है। तो आइए चलिए चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये केएसबी चौक है, हम आपको पूरा दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए, ये केएसबी चौक है। और आपको बताना चाहूँगा इस साइड जाएंगे तो इस साइड चिकली वगैरह जाएंगे, कुद्दलवाड़ी वगैरह जाएंगे, यहाँ का भी वीडियो बनाऊंगा मैं। इस साइड जा सकते हैं आप लोग, इस साइड जाएंगे हम सीधा चलेंगे यहाँ से भोसरी कैसे जाते हैं इधर जाएंगे। और इस साइड जाएंगे हम लोग, जाएंगे इस साइड क्या बोलते हैं इसका, पुणे वगैरह निकल जाएंगे। यहाँ से भी हाईवे जुड़ा हुआ है, आगे वहाँ निकल जाएंगे। और आपको दिखाना चाहूँगा बैक साइड में, इस साइड जाएंगे तो पिंपरी चिंचोड़ चले जाएंगे इस साइड में। तो आइए चलिए चलते हैं, हमारा डेस्टिनेशन है भोसरी, तो हम वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। ये चलिए हम लोग चल दिए हैं अभी, अब जो रास्ते में जो जो पड़ेगा दोस्तों हम आपको बताते जाएंगे। आइए चलिए, आप लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट वगैरह क्या कैसा है। देख लीजिए दोस्तों, एक सामने डेवलपमेंट वगैरह क्या है कैसा है। इस साइड में टाटा की बाउंड्री है, टाटा कंपनी इसी साइड में है। आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा सा इस साइड, देखिए दोस्तों ये टाटा की कंपनी, अंदर पूरी गाड़ी वगैरह सब खड़ी है। हमने पिछला वीडियो आपको बनाया है, आप लोग देख सकते हैं टाटा कंपनी कैसे जाए और टाटा में किसी के वैकेंसी वगैरह रहता है तो आप लोग कैसे आए, कहाँ पे रुके हैं, ये सब सब बताया है हमने दोस्तों। तो हम चलेंगे सीधा भोसरी, इधर नारियल वगैरह लगा है, आप लोग सुबह सुबह नारियल पानी पीते हैं तो सब कुछ फ़ायदा करेगा आप लोगों को, हेल्थ के लिए, आप लोग जानते ही हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए टाटा की अंदर गाड़ियाँ वगैरह सब रखी हुई हैं। अभी सीधा जाएंगे हम लोग, उस साइड भी टाटा की ही कंपनी है, दोनों नीचे से रास्ता गया हुआ है। इस साइड जाएंगे, इस साइड बनता है और इस साइड उसका यार्ड है इस साइड में। ये देखिए पूरी गाड़ी 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 गाड़ी, वाह वाह कितनी गाड़ियाँ बन के खड़ी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। टाटा का ही गेट है उस साइड में भी। दोस्तों आप लोग कमेंट प्रॉपर कीजिए, आप लोगों का नाम जरूर लेंगे वीडियो में। हम साइड से कोई पाइप वाइप का काम चल रहा है, डेवलपमेंट चल ही रहा है इधर, तो महाराष्ट्र राज्य में तो टूटना फूटना सब काम चलता ही रहता है। लग गया, हमें लगता है कोई प्रोटेक्शन वगैरह है या फिर, अच्छा हाँ ड्यूटी, लोग टाटा कंपनी में ड्यूटी करते हैं ना, वहाँ पे जा रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा जाम लग गया दोस्तों। ये कौन सा चौक है दोस्तों पूछना पड़ेगा, ये देख सकते हैं। अभी इस साइड किस साइड जाएंगे अभी हम सब कुछ पूछ के बताएंगे आप लोगों को, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, एक रास्ते में रुकेंगे, सब कुछ पूछेंगे, उसके बाद सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो पीछे चौक गया उसका नाम यशवंत चौक था, अभी हम चलेंगे आगे। अभी देखते हैं, ये टाटा का शोरूम भी है, देखते हैं आगे कौन सा चौक आता है।
आराम आराम चलेंगे। रास्ते में भीड़ बहुत है, जाम इतना तगड़ा है पूछिए मत यार। वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप लोगों के लिए दोस्तों बना रहे हैं, आप लोग प्यार देते हैं इसलिए बना रहे हैं वीडियो। ये देखिए भाई साहब उल्टा चले आ रहे हैं, इनको भी बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका भी। दोस्तों आप लोग उल्टा कभी मत चला करिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है दोबारा बार बार नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी सच में। और इसी ज़िंदगी का मज़ा ले लीजिए आप लोग, कभी भी आप लोग उल्टा मत चला करिए, मैं तो यही कहूँगा। अभी आगे देखते हैं कौन सा चौक है। तो ये चौक का नाम है गौरी नगर, हम जाएंगे सीधा। अभी देखते हैं कौन कौन सा चौक पड़ता है आगे, हम दोस्तों चलेंगे सीधा। ये गौरी नगर चौक था, बहुत सारे चौक है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है पुणे में। अभी दिखाएंगे दोस्तों, पुणे का तो चल ही रहा, मुंबई का भी दिखाएंगे आप लोगों को। हम इस साइड देख ले सकते हैं आप, डेवलपमेंट वगैरह क्या चल रहा है। ये अपनी धनो चल रही है, अभी इस साइड बिल्डिंग वगैरह बन रहा है। दोस्तों आपको पूरा पुणे घुमा देंगे, बस केवल पूरा वीडियो पे बने रहा करिए, लाइक कर दिया करिए। हमारा प्यार आप लोगों को, मतलब आपका प्यार हमको मिलता रहेगा, तो हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। अभी हमको घूमने का शौक बहुत है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को भी, मैं तो घूमूंगा ही, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। हम जाएंगे सीधा, किधर भी नहीं मुड़ेंगे, सीधा चलेंगे। हमारा डेस्टिनेशन है भोसरी, ये देख लीजिए इधर शॉपिंग मॉल वगैरह छोटा छोटा बना है। अभी जाएंगे सीधा, इधर पेट्रोल पंप वगैरह है, ये टोयोटा का शोरूम है, ये भी कोई ऑफिस वगैरह बनाया जा रहा है। ये देखिए चचा भी उल्टा चले आ रहे हैं। हम सीधा चलेंगे दोस्तों, सीधा जाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ से भाई लोग उल्टा चलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता यार, ज़िंदगी प्यारी है यार। चलिए कोई बात नहीं, सबका माइंडसेट अलग अलग है। ये देखिए दोस्तों डॉल्फिन कैपिटल, इसमें क्या है भाई, जैसे बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, वो अपना कॉम्प्लेक्स खोल के रखे हैं। हम सीधा चलेंगे यहाँ का दोस्तों डेवलपमेंट, ग्रीनरी देखिए कितना बेहतरीन है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी आप लोग देखिए पूरा वॉच कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है डेवलपमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे ढलान है, यहाँ हाइट चढ़ाई और ढलान बहुत ज़्यादा है। आप लोग हमारा पूरे इंडिया से प्यार दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी ये सामने एक चौक आ रहा है, इस चौक का क्या नाम है, चलिए वहीं से चल के लोगों से पूछेंगे। तो नहीं है छोटा सा कोई ऐसा आर पार करने वाला, रेड लाइट वगैरह लगा है ताकि जाम ना लगे। हम चलेंगे दोस्तों सीधा, सीधा जाएंगे। इधर का ग्रीनरी बहुत तगड़ा है, ऐसे में साइकिल चलाने में मज़ा आता है। ये साइकिल अपनी, ऐसे हम चलें इस साइड देखिए, जबरदस्त। और आगे चलेंगे हम लोग, ये दोस्तों इधर भी कंपनियां हैं, सीधा चले हम लोग।
दोस्तों होटल वगैरह भी है ये सामने। इस पे 6 लेन प्लस ये पार्किंग और पैदल चलने का रास्ता अलग, इतना चौड़ा एक साइड में है और इतना ही चौड़ा उस साइड में भी है। ये देख सकते हैं आप लोग, सीधा चलेंगे हम लोग यहाँ से। भाई लोग काम पे जा रहे हैं, अच्छा है, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर भी कंपनी है दोस्तों, सीधा चलेंगे हम लोग। इस साइड भी देख लीजिए, इस साइड भी कंपनी वगैरह है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, ये देखिए दोस्तों एड्स का पूरा हॉस्पिटल्स वगैरह था, रिसर्च भी होता है इधर। आप लोगों को दिखाएंगे आधार पुना वाले का भी कंपनी वगैरह दिखाएंगे। ये देखते हैं कौन सा चौक है, छोटा सा है चौक नहीं है दोस्तों, चौक है बट ऐसा सिंपल बनाया गया है। अभी यहाँ से कौन कौन सा रास्ता जाता है यही आपको बता सकते हैं। इस साइड जाएंगे और इस साइड भी, इस साइड भी तो जानते ही, वो से भी जाएंगे हम। खुला कितना स्थान है, चलेंगे हम लोग। दोस्तों सफ़र का एंजॉय कीजिए आप लोग, हम सब आप कुछ सब कुछ बताएंगे आप लोग, दिखाएंगे यहाँ पे क्या कैसा है। आप लोग ओसरी तक का दिखा देंगे, उसके बाद तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको। ऐसा ऐसा गांव है ना, ऐसा ऐसा एरिया का नाम है, मैं नाम लूँगा। आप लोग वीडियोस देख के अगर भारत के अलग अलग कोनों से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग मज़ा इंजॉय बहुत लेंगे, समझ लीजिए दोस्तों। दोस्तों हम लोग लगता है पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों ये चौक का नाम है लांडेवाड़ी, क्या नाम है, वाह। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति वगैरह लगी है, हम आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए आई तलजा, देखते हैं आप लोग यहाँ पे शिवाजी महाराज की पूरी पूरा दीवार पे चित्रकारिता बना हुआ है। ये सामने शिवाजी महाराज का पूरा फोटो भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस चौक का नाम है लांडेवाड़ी। अब आगे चलेंगे हम भोसरी। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा साइड लेंगे इधर से, छोटा सा रास्ता है। तो दोस्तों हम छोटे रास्ते से नहीं चलेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा बड़ा वाला रास्ता हाईवे से होते हुए कहाँ से भोसरी कनेक्ट होता है, बस स्टॉप वगैरह सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो सीधा चलेंगे हम, रास्ता यहाँ से कनेक्ट होता है। ये कहाँ पे जाता है भाई, बहुत तगड़ा रूट बना है रास्ता वगैरह। चलिए हम सीधा चलेंगे, पहले वहाँ चलते हैं, भोसरी चलते हैं। धूल धुआं मिट्टी सब उड़ रहा है, अभी क्या करेंगे, बट घूमना तो है, दुनिया देश देखना है अपना। इधर प्राइवेट बस वगैरह का बस स्टॉप है, जो बाहर वगैरह जाते हैं वो सब है। ये फिर बाहर से लोग घूमने आए हैं, बट यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन भी नहीं, नहीं नहीं घूमने नहीं आए दोस्तों, यहाँ पे बस का स्टॉप है प्राइवेट बस का। ये देखिए बहुत सारे, हम चलेंगे सीधा वो हाईवे से कनेक्ट होता है, ये वाला हाईवे बेंगलुरु एंड मुंबई, देखता हूँ वही हाईवे है क्या, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ये हाईवे नहीं है, वो हाईवे दूसरा है। तो आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए, चलेंगे हम आगे तक। ये देखिए चचा उल्टा आ रहे हैं, प्राइवेट बसेस लगे हुए हैं, धुलाई उलाई चल रही है, रात में ये लोग निकलते हैं अपना सामान वामान लेके। इसको हैंडमेड, इसको आप लोग यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, फ्रिज व्रिज छोड़िए, फ्रिज तो दूसरा काम में आता है, पानी वानी पीना हो तो आप लोग ऐसा मटके का पानी पीजिए। हम लोग नीचे चलेंगे, ज़्यादा नहीं बस पहुँचने ही वाले हैं, देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह क्या है, क्योंकि आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा किधर से कहाँ जाना है। देखते हैं आगे,
यहाँ पे लोग उल्टा बहुत चलते हैं। इस साइड पूरा कैंटीन्स वगैरह है, आप लोग आगे खाना वाना खा सकते हैं। देख लीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। एक चाचा भी चले आ रहे हैं आराम से, आराम चाचा। हाँ, पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, आप लोगों का डेस्टिनेशन पहुँच चुका है। बस पहुँच गए हम लोग, थोड़ा सा और है, हम आपको पूरा आप लोग वीडियो देख के नॉलेज लेके आ सकते हैं। ये देखो ऐसा होता है यहाँ पे। अभी चलेंगे हम लोग सीधा, आ गया हूँ, 10 मीटर बचा है। और कि आप लोग देख सकते हैं, ये है भोसरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए भोसरी लिखा हुआ है। और इस साइड भी सामने देख लीजिए, यहाँ पे आगे बस स्टॉप मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आगे नहीं चल पाऊँगा मैं, यहीं पर आप लोग, यहाँ पर आपको दिखा दिया मैं। और तो दोस्तों जैसा कि हमने TSB चौक से चल के आपको भोसरी तक का पूरा रास्ता दिखाया, और उसके बाद क्या डेवलपमेंट है वो दिखाया दोस्तों। ये पीछे देख सकते हैं हमारे भोसरी लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोग किस जगह से हैं, आप किस स्टेट से हैं, हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं। मिलेंगे किसी नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।